देश के मौसम को लेकर बड़ी खबर, कई राज्यों में बादल बरसने को तैयार, कुछ राज्यों में चलेगी आंधी और होगी बारिश और ओलावृष्टि। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रह सकता है और गर्मी और बढ़ सकती है। एक पश्चिमी विक्षोभ को मध्य उपमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं पूर्वोत्तर असम पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के साथ बिजली चमकने और तूफान आने की संभावना एमडी ने जताई है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में छुटपुट बारिश होने की संभावना है। तो बात करें 26 से 28 अप्रैल के बीच की, तो यहां पश्चिम बंगाल में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना एमडी ने जताई है। जम्मू कश्मीर में भी और हिमाचल प्रदेश में भी छुटपुट ओलावृष्टि की संभावना एमडी ने जताई है। बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो यहां भी बिजली और गरज के साथ बारिश होने की संभावना एमडी ने जताई है। साथ ही साथ यहां पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो वहीं राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। गंगी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग इलाकों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति भी बनी रहेगी। उपमहले पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक।